हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप से VRX कॉइन मिला है 1.8 ₹250 से ज़्यादा जिसकी वैल्यू, उसको आप कैसे बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट वाजीरएक्स पे KYC किए। तो इस ऑफर के बारे में नहीं पता, ये वाली वीडियो देख लेना, इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और साथ ही इसको कैसे विड्रॉ करना, इसका हाफ प्रोसेस मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी बता दिया था, टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सीधा हम बात करते हैं कैसे विड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वाजीरएक्स पे एक न्यू ID बनानी होगी जिसपे KYC हम नहीं करेंगे और उसको विड्रॉ भी कर लेंगे। तो सबसे पहले रेफर लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ वाजीरएक्स का, तो जहाँ पे आपको मिल जाएगी साइन अप करने की ऑप्शन रेफर लिंक के थ्रू। तो जहाँ पे मैं करता हूँ साइन अप नाउ, जहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है और अपना कोई भी पासवर्ड अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा चूज कर लेना है और उसके बाद एग्री करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक ईमेल आएगा जस्ट वेरिफिकेशन के लिए। तो हमारा ईमेल हो चुका है सक्सेसफुली वेरीफाई, अब करना है आपको कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद गाइस जहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटर ऐप को सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर आपके पास इतने ज़्यादा नहीं होंगे तो ऑथेंटिकेटर ऐप से कर लेना अगर आपके पास मल्टीपल कूपन है। गाइस जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो गूगल ऑथेंटिकेशन ऐड नहीं हो रहा था, वहाँ पे रॉन्ग OTP बता रहा था जबकि मैं OTP सही डाल रहा था। तो इसीलिए जहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया, आप ऑथेंटिकेटर से ही पहले ट्राई कर लेना। तो जहाँ पे मोबाइल नंबर के थ्रू मैंने जहाँ पे सेटअप कर लिया, इसको कर देते हैं हम ओके। और अब आपको आपकी कंट्री पूछेगा तो हम कर देते हैं जहाँ पे इंडिया। और जहाँ पे गाइस इम्पोर्टेंट बात, आप KYC के लिए इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप फॉर नाउ। और उसके बाद हमारा वाजीरएक्स पे आईडी तो बन चुकी है, अब हमने करना है कूपन को रिडीम। तो जहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी, सबसे पहले तो कूपन को कर लेते हैं हम कॉपी, और टेलीग्राम पे मैंने आपको लिंक दिया था कूपन को रिडीम करने के लिए। तो ये रहा कूपन रिडीम कूपन कोड हेयर। आप चाहें तो वाजीरएक्स का ऐप वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं ओपन इन ब्राउज़र, तो ब्राउज़र में कर लिया, जहाँ पे आपको कूपन कोड डाल देना है जो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप से मिला, और इसको कर देना है अप्लाई। तो जहाँ पे कूपन हो चुका है मेरा सक्सेसफुली अप्लाई, जहाँ पे देख सकते हैं। और इस पे पहले इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पे मल्टीपल कूपन अप्लाई हो रहे थे जब लास्ट टाइम ये ऑफर आया था, लेकिन अब जहाँ पे मल्टीपल कूपन अप्लाई नहीं हो रहे, जस्ट एक आईडी में एक कूपन ही अप्लाई हो रहा है। तो हम चलते हैं बैक। तो फंड में गाइस आप देख सकते हैं मेरे को ये जो 1.8 WRX कॉइन मिला है उसकी वैल्यू है ₹295। तो अब आपको क्या करना है, वाजीरएक्स की आईडी को बाइनेंस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज है, उस पर लिंक कर लेना है वाजीरएक्स को। तो बाइनेंस का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जहाँ पे गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आप रजिस्टर के टाइम ईमेल आईडी यूज़ करेंगे, आपने सेम ईमेल आईडी यूज़ करनी है जो आपने वाजीरएक्स पे यूज़ की थी, तभी आप लिंक कर पाएंगे। और गाइस जहाँ पे रेफरल आईडी की भी एक ऑप्शन है, रेफरल आईडी पे आप क्लिक करेंगे तो रेफरल आईडी डालने की ऑप्शन आ जाएगी। अगर इसका कोई बेनिफिट होगा तो मैं रेफरल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप बिना रेफरल आईडी के रजिस्टर कर लेना। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे मैं करता हूँ क्लिक, और जहाँ पे आ गया कैप्चरा, इसको स्लाइड करते हैं। तो जहाँ पे एक ईमेल, तो जहाँ पे ईमेल आपको आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ये तो वाजीरएक्स का है, वाइनेंस की तरफ से आएगा, वाइनेंस की तरफ से आ चुका है 0-524। तो गाइस वाइनेंस पे हमारी आईडी बन चुकी है, वाइनेंस पे जस्ट हमने ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर किया है। उसके बाद आपको जहाँ पे प्रोफाइल वाली आइकन पे जाना है, और उसके बाद जाना है आपको जहाँ पे वॉलेट वाली ऑप्शन पे, और वॉलेट वाली ऑप्शन से आपको क्लिक करना है ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे मैंने कर दिया क्लिक, और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे जो कुछ ऊपर ऑप्शंस मिल रही होगी, इसको आपने लेफ़्ट साइड की तरफ स्वाइप करना है, जैसे जे मैं कर रहा हूँ। और जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी वाजीरएक्स की, जे देखिए वाजीरएक्स के ऑप्शन, इस पर आपको करना है क्लिक, और इसके बाद कनेक्ट वाजीरएक्स पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद करना है लॉगिन व्यू वाजीरएक्स। तो
तो जहाँ पे देखिए सेम ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी, जहाँ पे स्विच अकाउंट की भी ऑप्शन आई थिंक स्विच होगा, पता नहीं नहीं होगा, तो आपने सेम ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर किया होगा तो स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे जस्ट आपको कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू कर दिया, अगेन कंटिन्यू, और जहाँ पे एसएमएस आ चुका है 92 97 53, जहाँ पे अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे आप ओटीपी देख लेना गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप में और वो डाल देना, और यहाँ पे ईमेल पे भी ओटीपी आएगा वो भी डालना पड़ेगा। तो गाइस देखिए जहाँ पे कनेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है हमारा, आप करते हैं कंटिन्यू। तो जहाँ पे हम बाजीरक्स की वेबसाइट पे हैं, जहाँ पे हम चलते हैं मेन्यू से फंड्स की ऑप्शन में, तो जहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र फंड टू बाइनेंस, तो इस पर हम करते हैं क्लिक, और जहाँ पे हमको सिलेक्ट करने की ऑप्शन है एक ड्रॉप डाउन की ऑप्शन, तो इससे हम जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वाजीरक्स WRX, और उसके बाद जहाँ पे हम कर देंगे 100%, जहाँ पे 100% कर देंगे या फिर आप मैन्युअली डाल देना जितने भी हो, और उसके बाद हम कर देंगे ट्रांसफ़र टू बाइनेंस, तो मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो जहाँ पे फंड ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो चुका है, मीन्स हमारे जो WRX क्वाइन थे 270 रुपये के राउंड, 80 रुपये के राउंड, वो वाइनेंस पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो जहाँ पे वाजीरक्स पे देख सकते हैं आप हमारा फंड जीरो रह चुका है। तो अब हम चलते हैं एक बार वाइनेंस वेबसाइट पे। तो गाइस जहाँ पे देख सकते हैं वाइनेंस पे हमको फ़ंड रिसीव हो चुका है $3.83 का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अगर हमने करना है विड्रॉ, फर्स्ट टाइम विड्रो पे क्लिक करने के बाद क्रिप्टो पे जरूर क्लिक कर देना। यहाँ पे जो बोल रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनेबल करने के लिए, तो इसको हमने कर देना है अनेबल नाउ पे क्लिक, फिर फोन वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, और जहाँ पे हमको इंडियन नंबर सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो जहाँ पे गाइस हमारा मोबाइल सक्सेसफुली अटैच हो चुका है, ऐड हो चुका है बाइनेंस आईडी में, पहले जस्ट ईमेल आईडी थी। अब ध्यान से सुनिए, जब आपने बाइनेंस पे सब कुछ ट्रांसफ़र कर लिया, मोबाइल नंबर लिंक कर दिया, उसके बाद आप जाएंगे जहाँ पे विड्रो पे, विड्रो पे जाने के बाद आपके पास जहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बिटकॉइन सिलेक्ट है, तो हमारे पास अभी बाइनेंस पे कौन सा कॉइन है, हमारे पास है WRX कॉइन, तो इस पर हमने करना है क्लिक, और जहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है कौन से एड्रेस पे सेंड करना है, तो आपने क्या करना है वाजीरक्स पे एक मेन आईडी बना लेनी है, जिस पे आप KYC वगैरह भी करनी है, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास है जिस पे KYC कर रखी है तो भी वो अकाउंट चल जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जितने आपके पास कूपन है वो कूपन से जे वाले स्टेप आपने करके सभी आईडीज में, सभी बाइनेंस आईडी पे 270 रुपये के राउंड, 280 रुपये के राउंड जो भी आपको वाजीरक्स कॉइन मिल रहे हैं वो ले लेने हैं। उसके बाद जब विड्रॉ करोगे तो आपने एक ही आईडी में, मेन आईडी में विड्रॉ करना है वाजीरक्स कॉइन को। विड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जाना है वाजीरक्स की मेन आईडी पे, ओल्ड आईडी हो या फिर न्यू बना के उस पे KYC वगैरह कर लेना। उसके बाद जाना जहाँ पे फंड के ऑप्शन में, और फंड के ऑप्शन में जाने के बाद जहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे WRX कॉइन मिलेगा, इस पे कर देना क्लिक, और इसके बाद जहाँ पे आपको डिपॉजिट की एक ऑप्शन मिलेगी नीचे, विड्रो और डिपॉजिट, तो इस पे डिपॉजिट पे करना क्लिक, जहाँ पे आपको एक तो मिलेगा एड्रेस, एक मिलेगी मेमो। तो आपको हमेशा जब भी विड्रो करना है बाइनेंस से तो आपको एड्रेस और मेमो मेन आईडी का डालना है और सही डालना है। नेटवर्क फीस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, नेटवर्क फीस है 0.11 WRX, मीन्स 20 रुपये के राउंड ऑलमोस्ट। तो जहाँ पे देखिए मेमो की ऑप्शन पहले आ नहीं रही थी, तो जैसे ही मैंने किया तो मेमो की ऑप्शन जहाँ पे आ गई, तो मेमो भी आपको जरूर करेक्ट वाला डालना है जो जहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वाजीरक्स पे मिनिमम विड्रो अमाउंट 1,000 रुपये है, तो अगर आपके पास 4 कूपन है तो ही इस प्रोसेस को कीजिए, या फिर आप एक दूसरा तरीका अपना सकते हैं। अगर आपके पास 1 कूपन है तो उसके लिए आप वाजीरक्स पे अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। मान लो आपके पास 270 रुपये वाजीरक्स पे मिल गए वाजीरक्स को सेल करके, तो आपको 730 रुपये के अराउंड डिपॉजिट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही 1,000 आप विड्रॉ कर सकते हैं। पे हमारे
1.82 वाजीरेक्स जहाँ पे सेंड हो जाएंगे। तो जहाँ पे उसके बाद हम करते हैं विड्रो पे क्लिक, इसकी फीस आप जहाँ पे देख सकते हैं 0.11 लगेगी। तो इसको हम करते हैं विड्रो पे क्लिक और जहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के लिए क्लिक हेयर जरूर करना है वेरिफिकेशन कोड के लिए जो जहाँ पे आएगा। कुछ ऑडियंस जहाँ पे वेट करती रहती है क्लिक नहीं करती। 38518 अगेन हम जहाँ पे क्लिक टू गेट कोड करेंगे। तो जहाँ पे गाइस मेरी विड्रो रिक्वेस्ट हो चुकी है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो ये मेरी मेन आइडिया जिसपे मैंने कॉइन सेंड किए हैं WRX, इस पर 3 कॉइन ऑलरेडी मेरे पास पहले से हैं, जस्ट अभी मैंने सेंड किया, अभी मेरे को रिसीव नहीं हुए, साथ ही 711 रुपये बैलेंस है। तो जहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग में दिखा रहा है मेरे को, तो जस्ट कुछ ही मिनटों के बाद 4 मिनट के राउंड मेरे को कॉइन रिसीव हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पहले 3 कॉइन थे, तो अभी मेरे पास कितने कॉइन है, 4.71 मीन्स 1.71 मेरे को रिसीव हो चुके हैं, साथ ही बैलेंस भी 711 से 982 हो चुका है। और जहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट सक्सेसफुल दिखा रहा है, 1.71 रिसीव हुए, तो 711 रुपये थे, अभी है 982, तो मीन्स 270 रुपये के राउंड मेरे को रिसीव हो चुके हैं। तो आपको कम भी हो सकते हैं क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे बहुत होता रहता है। तो जहाँ पे मान लीजिए आपने 4-5 आईडी से कॉइन सेंड कर लिया, आपके पास 1000 से ज़्यादा का पोर्टफोलियो हो गया, तो पोर्टफोलियो को आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उसको सेल करना पड़ेगा कॉइन को, उसके बाद INR में आपका बैलेंस आएगा, उसके बाद ही आप विड्रॉ कर पाएंगे अगर 1000 से ज़्यादा का बैलेंस होगा। तो जहाँ पे आप सबसे पहले तो मनी ऐड करके 1000 रुपया कर सकते हैं, जहाँ एक सरप्राइज़ है जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा है, आप WRX पे KYC वेरीफाई आईडी से क्या कर सकते हैं, अपने WRX कॉइन को ट्रोन अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना, TRX में कन्वर्ट करोगे उसको जेपे पे ट्रांसफ़र कर लेना। जेपे पे भी KYC करनी पड़ेगी, जेपे पे मिनिमम विड्रो अमाउंट जस्ट 100 रुपया है, तो चार्जेस बहुत कम लगेंगे, 20-30 रुपये चार्जेस लगेंगे ट्रांसफ़र करने पे, और आपके 270 रुपये के अराउंड 230-240 आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे।